यही होगा कि एक बहुत अच्छी जगह पे बहुत सारी गायें रहेंगी और वहाँ पे सब लोगों को दूध पनीर घी हर चीज़ का वहाँ मुहैया कराया जाएगा। एक वो एक तरह से एक बहुत बड़ा उद्योग जैसे हो जाएगा। जो लोग भटक रहे हैं जगह जगह कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, मैं कहाँ जाऊँ, कहीं 200, 400, 500, 1000 रुपया खिलाया जा रहा है और वही जीरो वो वहीं का वहीं रहता है। जब आपको नगर निगम में इतना बड़ा बजट मिला है तो वो काम नहीं हो रहा है और पब्लिक को आप इस तरह टैक्स लगाएंगे, कचरा टैक्स, होल्डिंग टैक्स, तो कहाँ तक पब्लिक इसको झेलेगी? हम तो पब्लिक बन के ही तो सेवा के लिए मर रही है कि पद के लिए? हम तो सेवा के लिए मर रहे हैं, पद नहीं चाहिए। पद चाहिए होता तो 30 साल पहले ही ढूंढना शुरू कर दे। नमस्कार, मैं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे कि हमारे साथ मेयर प्रत्याशी सरिता नुपानी हैं। हवन हो रहा है हर जगह आपके लिए क्योंकि आपने वादा किया था कि आप जब आएंगी तो स्मार्ट गौशाला बनेगा। तो जनता का प्यार है ना, ये हवन जो है ये मेरे लिए जनता का प्यार है। जनता को पूरा विश्वास है कि सरिता नुपानी जरूर जीतेगी। तो जनता ने हवन करके भगवान का आह्वान किया है कि हमारी मेयर सरिता नुपानी को जरूर विजयी बनाए। बिल्कुल, तो स्मार्ट गौशाला पे कोई फोकस नहीं है। जितने भी मेयर प्रत्याशी हैं वो बस ये बोलना बोलते हैं कि लाइट लगा देंगे, रोड बना देंगे, आपका ध्यान इधर एकदम? क्योंकि ये गाय पे किसी का भी ध्यान नहीं जाता है और अक्सर लोग दूध पनीर सब बोलेंगे नकली है। हाँ। है तो लगता है क्यों ना इसके ऊपर ध्यान दे के हम लोग इसको सबको मुहैया कराएं कि सबको अच्छा मिले। खाली हम ही क्यों, हमारे आसपास के लोग ही क्यों इसको अच्छा खाएं? स्मार्ट गौशाला में क्या क्या होगा? मतलब कि स्मार्ट गौशाला में यही होगा कि एक बहुत अच्छी जगह पे बहुत सारी गायें रहेंगी और वहाँ पे सब लोगों को दूध पनीर घी हर चीज़ का वहाँ मुहैया कराया जाएगा। एक वो एक तरह से एक बहुत बड़ा उद्योग जैसे हो जाएगा। दिमाग में कैसे आ गया आपके? मतलब समस्याएं दिख रही थी तो लगा कि चलो इस पे भी काम होना चाहिए क्योंकि ये समस्या हम लोग जितने भी राय जी हैं जो ग्वाला है जिनका, वो बहुत परेशान रहते हैं। आपको दिख गया? बिल्कुल दिख गया। ग्वाला भी परेशान है, प्लस हम उपभोक्ता भी परेशान है क्योंकि हम जो नॉनवेज नहीं खाते हैं वो लोग इसी पे आधारित है। पनीर दूध दही यही चाहिए हमको, अच्छा चाहिए, बिल्कुल चाहिए। आजकल हवा प्रदूषित हो गई है, खाना प्रदूषित हो गया है। तो जब ये सुनी कि आपके लिए हवन चल रहा है तो दिमाग में क्या आया? बहुत अच्छा लगा, यही लगा कि नहीं अब तो निश्चय ही हम जीते हुए हैं। जनता को मेरे पे बहुत भरोसा है तो मुझे निश्चित जो जो मैंने सोचा है वो मैं करके दिखाऊंगी। दिन रात बाहर रहती हैं, थकती नहीं हैं आप? अरे थकना क्या है, अभी तो एज है, घूमेंगे तब ना आदमी स्वस्थ रहेगा। विजन क्या है सरिता नुपानी का ये बताइए? विजन यही है कि हम अपने पटना को एकदम स्मार्ट करें, हर जनता को हर पब्लिक को अपने साथ लेके एक संगठित होके हम इस काम को करें। जिस काम के लिए हम आगे आए हम चाहेंगे कि एक संगठन बना के उसको करेंगे तो हम बहुत जल्दी अपने मुकाम पे पहुंचेंगे। ये मेरा विजन है। प्लस जो लोग भटक रहे हैं जगह जगह कि मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मैं कहाँ जाऊँ, कहीं 200, 400, 500, 1000 रुपया खिलाया जा रहा है और वही जीरो वो वहीं का वहीं रहता है। ये भी बोला है कि कौन मुक्त होगा, दुकानदार जो है वो कर मुक्त होंगे। जैसे ये कूड़ा कचरा वाला जो हो रहा है ये कितना गलत हो रहा है। यदि आप होल्डिंग टैक्स ले रहे हैं, हमारी सोसाइटी में जब आए मैं उस समय भी बहुत विरोध की थी इसका क्योंकि मैं जब ऊपर में ही देती थी होल्डिंग टैक्स तो उन्होंने बोला कचरा टैक्स भी, क्योंकि सोसाइटी के अभी सेक्रेटरी भी मिस्टर नुपानी है तो थोड़ा बहुत वो नहीं रहते हैं तो मुझे देखना पड़ता है। मोली ये क्या टैक्स लगाया भाई तुम? तो बोला कचरा टैक्स। तो मोली ये होल्डिंग टैक्स क्या होता है? तो ये कचरा टैक्स किस बात का? समझ में आया कि नहीं कि क्या होता है? अब तो उसी समय समझ में आ गया। तो अब तो और आ रहा है, जब मैं घूमी दुकानदारों से मैंने जनसंपर्क किया तो लोग कचरा टैक्स के बारे में भी बोले। मोली एकदम, मैं तो खुद ही इस पे काम कर रही हूँ, कचरा टैक्स तो निश्चित बंद होना चाहिए। किस आधार पे ये कचरा टैक्स ले रहे हैं इसका बताएं तो हम लोग को, ये पैसा जा कहाँ रहा है? जब आपको नगर निगम में इतना बड़ा बजट मिला है तो वो काम नहीं हो रहा और पब्लिक को आप इस तरह टैक्स लगाएंगे, कचरा टैक्स, होल्डिंग टैक्स, तो कहाँ तक पब्लिक इसको झेलेगी? हम भी तो पब्लिक है, हम तो पब्लिक बन के ही तो सेवा के लिए मर रही हैं कि पद के लिए मर रही हैं? हम तो सेवा के लिए मर रहे हैं, पद नहीं चाहिए। पद चाहिए होता तो 30 साल पहले ही ढूंढना शुरू कर देती। 30 साल पहले ही? बिल्कुल, मैं काम करके यहाँ पे आई हूँ और ये मुझे काम करने का बहुत बड़ा फील्ड मिल रहा है इसलिए मैं इस पद में। मेरे प्रत्याशी ऐसा बोलते हैं कि हम शिक्षित हैं, हम इस दिशा में ले जाएंगे, हम उस दिशा में ले जाएंगे। आपको सबसे अजीब चीज, मतलब कि सबसे घटिया चीज अगर कहें तो पटना के बारे में क्या लगता है कि वो नहीं होना चाहिए, वो देखा नहीं जा रहा पटना में? देखिए, एक तो सबसे बड़ी है गंदगी, दूसरी बहुत ज़्यादा गंदगी। आप कहीं चले जाइए, सलम एरिया का बात छोड़ दीजिए, अच्छे अच्छे एरिया में, आप मेरे एरिया में देखिए ना, निकलिए बाहर, आप तो आ ही रहे हैं रोज, बताइए कितनी गंदगी। आप अपने घर के पास देखिए, कहीं से भी निकलिए, एक तो गंदगी, गड्ढे, रोड,
इतनी बेहाल है कि मत पूछिए आप। और दूसरी बात है कि यहाँ पे शौचालय के लिए महिलाओं को बहुत दिक्कत है। आज शॉपिंग करने जाते हैं मार्केट में, कुछ भी साग सब्जी फल अनाज कुछ भी लेने जाते हैं, यदि आपको दो घंटा ढूंढना पड़ता है, नहीं तो अच्छा दुकान ढूंढना, अच्छा दुकान ढूंढना पड़ता है, जहाँ की लोग बात ही नहीं करते हैं कि हाँ मेरे पास शौचालय, हम जाने देंगे, रुकिए मैडम रुकिए मैडम, चाबी ला रहा है ये ला रहा है। अब आप सोचिए कि क्या परेशानी होती होगी उस समय महिलाओं के लिए, तो बहुत जरूरी है करना शौचालय। उम्मीद बहुत आ गया है, सरिता नौपानी का नाम जहाँ हो रहा है वहाँ उम्मीद जग रहा है कि मेयर बनेंगी अगर ये, तो पटना बहुत बदल जाएगा। समय बता ही देगा, वो तो जो आदमी काम कर रहा है उसी से तो उम्मीद बन रही है। बस समझ जाइए कि खत्म ही है बस, तो क्या लग रहा है, दिल जीत तैयार है एकदम, हम भी तैयार है इसके लिए, तैयार है एकदम तैयार है। जो जो वादा किए हैं सब पूरा करेंगे, एकदम करेंगे, जब तक समय पे हम बैठेंगे, हमको जो जो वादा करे हैं वो आता जाएगा सामने, और उस काम को कैसे करना है ये विजन हमको जनता से लेके, जो हमारे इर्द गिर्द काम करने वाले हैं उनसे हमको विजन लेके वो काम करना। एक बड़ी अच्छी चीज आप दोनों के बारे में, कमल नौपानी हो या सरिता नौपानी हो, बाकी प्रत्याशी अगर कहीं जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे, लेकिन आप दोनों जाते हैं तो कहते हैं कि हम जीते या हारें हम कर देंगे, ये कैसे, मतलब ये नहीं समझ में आता, क्योंकि करते आए हैं ना ये, तो हम लोग ऐसा नहीं मतलब कि जीत, भगवान ना करे आप हारे, लेकिन होता है ना कि हारे या जीते हम कर देंगे, ये डायलॉग, ये डायलॉग नहीं है ये हमारी सेवा है, क्योंकि हम पिछले 30 साल से ये काम कर रहे हैं तो जनता देख रही है, ये हमारे अंदर है कि नहीं हमें करना है, किसी का दर्द नहीं देख सकते। बस्ती में जाती हैं तो बच्चे पकड़ लेते हैं आपको कि सरिता नौपानी आ गई, तो वो देख रहे हैं ना भाव है, हमें खुद ही लगता है थोड़ा सा उनका गाल छू दिया, बाल खींच दिया बस बच्चे। और उनके माता पिता बहुत खुश हैं, सबका यही कहना है कि इन्हीं को जिताना है, क्योंकि उनके बच्चों का जो जीवन है तो उनका उनको पढ़ा रहे हैं ना, सलम एरिया के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, काफ़ी लोग से जुड़े हुए हैं, मान लीजिए एक सलम का हम 4 ही बच्चा पढ़ा रहे हैं तो वो 400 घरों से जुड़ गए हैं, तो उन लोगों को ये उम्मीद आ रही है वाह ये बच्चे। सलम वालों के लिए कुछ सोचिए कि नहीं? बहुत कुछ सोचा है सलम वालों को, सबसे पहले तो उनको हम घर दिलवाने का पूरा कोशिश करेंगे कि उनको एक छत मिले, और प्लस रेड़ी जो है वो सलम वालों ही की रहती है, आए दिन रेड़ियों को तोड़ दिया जाता है हटा दिया जाता है, उनको एक जगह दे दीजिए। मौर्या लोग घूमिए कि नहीं? मौर्या लोग नहीं घूमे हैं अभी, हमारे मिस्टर कमल नौपानी जरूर घूमे हैं मौर्या लोग काफी अच्छा। लेकिन ये आप जानती होंगी जरूर, ये आपसे छुपा नहीं होगा कि जो ठेला वाले हैं, जितने भी ठेला वाले कोई भी ठेला लगाते उनको मार दिया जाता है या फिर उनका ठेला को उठा के हटा दिया जाता है, वेंडिंग जोन के बारे में क्या ख्याल है? वही तो वेंडिंग जोन पे ही तो मैं बोल रही हूँ, इतना वेंडिंग जोन का जगह कोर्ट ने अलर्ट कर दिया है, फिर भी मेयर ये नगर निगम क्यों नहीं किया उसके ऊपर, हर जनता ये सवाल करके चुप रहेंगी कि नहीं? एकदम स्ट्रिक्ट रहेंगे इस मामले में, बिल्कुल स्ट्रिक्ट है हम, हमको लोगों ने बोला आप काम कर पाएंगी, इतनी भ्रष्टता है इतना कमीशन है क्या आप कम कर लेंगी, बोले बिल्कुल करेंगे, जहाँ जगह मन नहीं डोलेगा कि चलिए थोड़ा सा कि हम भी खा ले पैसा, कहे खा लेंगे पैसा जी हमारे पास है नहीं क्या, हमरा पैसा से तो इतना सेवा की है, यही सुनना था हमने तो अपने पैसा से इतनी सेवा की है, किसने मुझे पैसा दिया है, कोई गवर्नमेंट ने नहीं दिया, किसी संस्था ने मुझे पैसा नहीं दिया, अपने पैसे के बल पे इतनी सेवा की है, बिल्कुल निकल रहा है, आपने छेड़ दिया ना। ये है सरिता नौपानी जो की 30 साल से भी ऊपर से सेवा करते आई है और बहुत कुछ कह गई है, देखिये स्टूल छाप है इनका, स्टूल छापे और साफ कह दी हैं कि अगर हम आएंगे ना तो पटना को बदल देंगे, भ्रष्टाचार के बारे में भी बोली और सब चीज मिक्स बोली है, हवन हो रहा है इनके लिए, आप भी जान रहे हैं कि हवन हो रहा है, आप लोग बताइए, आप लोग नौजवान हैं, इनका टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, क्यों चाहते हैं? हम लोग बहुत चाहते हैं इनको जो जीते तो पूरा पटना का नसीब चेंज कर दे, नसीब चेंज कर दे, अभी नसीब खराब है, नहीं अभी पटना का, अभी तो बहुत खराब है, अभी पटना का नसीब, पूरे पटना में मैं घूम रहा हूँ, इनके जैसा कोई रिस्पांस कोई देने वाला है ही नहीं, इतना रिस्पांस जबरदस्त मिल रहा है और जीत पक्की है, पक्की है, हाँ पक्का जीत है इनका, पक्का जीत है, नौजवान है अभी, नौजवान है घूम रहे हैं, मेरा दुआ है कि आंटी फिर से जीत जाए एक बार, और क्या बोले, दुआ है पूरा, नौजवान आपके साथ है और क्या चाहिए, यूथ शक्ति होगी तो काम काफी आगे बढ़ेगा, मैं तो खुद कहती हूँ हर युवा को कि आगे आओ, आगे आओ, तुम लोग मुझे आइडिया दो मैं काम करूंगी, मैं तो इन लोग से आइडिया मांगती हूँ, उनको लेके काम करना चाहती हूँ मैं तो। चलिए देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टूल छाप क्रमांक संख्या 27 है, स्टूल छाप है, सरिता नौपानी मेयर प्रत्याशी है और काफी गर्जी है आज गर्जी है, सरिता नौपानी का जो असली चेहरा है वो दिखा आपको, कि देखिए भ्रष्टाचार मिटा देंगे, भ्रष्टाचार बहुत है, काम करेंगे, अब रात के 2 बजे 3 बजे 1 बजे या सुबह के 4 बजे काम होना चाहिए, हम आएंगे तो नसीब जो खराब है पटना का वो अच्छा कर देंगे, क्या कुछ कहना था सरिता नौपानी का और यंगस्टर्स का जो उनके साथ मौजूद थे,
तो आपने सुनी लिया, तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, धन्यवाद।